दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2021 में आज के दिन टोटल 2 मैच खेले गए थे और दोनों मैचों के खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको T20 वर्ल्ड कप का नया पॉइंट टेबल और हम आपको ये भी बताएंगे कि MPL पर टीम बनाकर लाखों रुपए कैसे जीत सकते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि IPL में मैंने MPL पर 20 से अधिक टीम बनाकर 1.5 लाख रुपए जीते थे और अब T20 वर्ल्ड कप के सारे मैचों में कम से कम 21 टीम बनाकर खेलूंगा और आप हमारी 20वीं टीम स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के मैच के दिन आप 2 करोड़ रुपए जीत सकते हो और मिनिमम डिपॉजिट 35 रुपए का है, जहां पर 1000 रुपए का कैशबैक भी पा सकते हो। तो फटाफट से MPL को डाउनलोड करें, क्योंकि MPL पर आप फ्री में खेलकर लाखों रुपए जीत सकते हो और ये सब लोग जैसे विनर बने हैं, वैसे आप भी अपनी टीम बनाकर विनर लिस्ट में अपना नाम बना सकते हो। तो देरी किस बात की, फटाफट से MPL को डाउनलोड जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और T20 वर्ल्ड कप 2021 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में आज का पहला मैच बांग्लादेश और अफ्रीका के बीच खेला गया था, वही दूसरा मैच पाकिस्तान और नामीबिया के बीच खेला गया था। और इन दोनों मैचों के बाद T20 वर्ल्ड कप का पॉइंट टेबल पूरी तरीके से बदल चुका है। सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप 1 के पॉइंट टेबल के बारे में। तो यहाँ 6वें पोजीशन पर है बांग्लादेश की टीम और बांग्लादेश की टीम ने टोटल 4 मैच खेले हैं और चारों मैचों में हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से 4 में से 4 मैच हार करके 0 अंकों के साथ बांग्लादेश पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और इस टीम का नेट रन रेट -1.435 है और बांग्लादेश की टीम ऑफिशियली सेमीफाइनल के दौर से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। और आज के मैच में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को हरा दिया। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल में 5वें पोजीशन की टीम के बारे में। तो यहाँ पर है वेस्ट इंडीज की टीम और वेस्ट इंडीज की टीम ने टोटल 3 मैच खेले हैं, जिसमें 1 बार जीती है और 2 बार हारी है। तो इस वजह से 3 में से 1 मैच जीत करके 2 अंकों के साथ वेस्ट इंडीज पॉइंट टेबल में 5वें पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट -1.598 है और वेस्ट इंडीज के पास अभी भी चांस है कि ये टीम सेमीफाइनल में चली जाए और इसके लिए वेस्ट इंडीज को सभी मैच जीतने पड़ेंगे और साथ ही साथ अपने नेट रन रेट में सुधार लाना पड़ेगा और प्रे करना होगा कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया अपने बाकी बचे मैच हार जाए। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल में 4थी पोजीशन की टीम के बारे में। तो यहाँ पर है श्रीलंका की टीम और श्रीलंका की टीम ने टोटल 4 मैच खेले हैं, जिसमें 1 बार जीती है और 3 बार हारी है। तो इस वजह से 4 में से 1 मैच जीत करके 2 अंकों के साथ श्रीलंका पॉइंट टेबल में 4थी पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट -0.590 है और श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल के दौर से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, यानी कि श्रीलंका अब सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगी। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल में 3रे पोजीशन की टीम के बारे में। तो यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टोटल 3 मैच खेले हैं, जिसमें 2 बार जीती है और सिर्फ 1 बार हारी है। तो इस वजह से 3 में से 2 मैच जीत करके 4 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया पॉइंट टेबल में 3रे पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट -0.627 के आसपास है और ऑस्ट्रेलिया की टीम को सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी मैच जीतने पड़ेंगे और साथ ही साथ ये प्रे करना पड़ेगा कि अफ्रीका की टीम अंतिम मैच हार जाए और ऑस्ट्रेलिया को अपने नेट रन रेट में काफी ज्यादा सुधार लाना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया के पास काफी कम चांस है कि ये टीम सेमीफाइनल में चली जाए। तो अब बात कर लेते हैं सेकेंड पोजीशन के बारे में। तो यहाँ पर है आज के मैच की विनर, यानी कि साउथ अफ्रीका की टीम, और अफ्रीका की टीम ने टोटल 4 मैच खेले हैं, जिसमें 3 बार जीती है और 1 बार हारी है। तो इस वजह से 4 में से 3 मैच जीत करके 6 अंकों के साथ अफ्रीका पॉइंट टेबल में सेकेंड पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट +0.742 के आसपास है, जो कि इस टीम के लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट है और अफ्रीका के 90% चांस है कि ये टीम सेमीफाइनल में चली जाए। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल टॉपर टीम के बारे में। तो यहाँ पर है इंग्लैंड की टीम
टीम और इंग्लैंड की टीम ने टोटल 4 मैच खेले हैं और चारों मैचों में जीत चुकी है, तो इस वजह से 4 में से 4 मैच जीत करके 8 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर है और इस टीम का नेट रन रेट +3.183 है और इंग्लैंड ऑफिशियली सेमीफाइनल में जा चुकी है। तो आपके अकॉर्डिंग ग्रुप 1 से इंग्लैंड के बाद कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी, आप उस टीम का नाम कमेंट में जोड़ बताएं। तो आप बात कर लेते हैं ग्रुप 2 के पॉइंट टेबल के बारे में। तो यहाँ 6वें पोजीशन पर है स्कॉटलैंड की टीम और स्कॉटलैंड की टीम ने 2 मैच खेले हैं और दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा, तो इस वजह से 2 में से 2 मैच हार करके 0 अंकों के साथ स्कॉटलैंड पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और इस टीम का नेट रन रेट -3.562 है, यानी कि स्कॉटलैंड की टीम सेमीफाइनल के दौर से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है और अब स्कॉटलैंड सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगी। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल में 5वें पोजीशन के बारे में। तो यहाँ पर है विराट कोहली की कप्तानी वाली यानी कि भारत की टीम और भारत की टीम ने टोटल 2 मैच खेले हैं और दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा, तो इस वजह से 2 में से 2 मैच हार करके 0 अंकों के साथ भारत पॉइंट टेबल में 5वें पोजीशन पर है और भारत का नेट रन रेट -1.609 के आसपास है और टीम इंडिया लगभग सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। हालांकि भारत के पास अभी भी चांस है कि ये टीम सेमीफाइनल में चली जाए और इसके लिए टीम इंडिया को प्रे करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे और भारत की टीम अपने बाकी बचे सभी मैच जीत जाए, तो इस सिनेरियो के साथ भारत सेमीफाइनल में जा सकता है। हालांकि वहां पर नेट रन रेट मैटर करेगा, तो अगर टीम इंडिया सभी मैच काफी बड़े अंतराल से जीतती है तो भारत के पास चांस होगा कि ये टीम सेमीफाइनल में चली जाए और भारत की टीम अगला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। तो आपके हिसाब से भारत सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं, कमेंट में जोड़ बताएं। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल में 4थे पोजीशन की टीम के बारे में। तो यहाँ पर है आज के मैच की हारने वाली टीम यानी कि नामीबिया की टीम और नामीबिया की टीम ने टोटल 3 मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ एक बार जीती है और 2 बार हारी है, तो इस वजह से 3 में से 1 मैच जीत करके 2 अंकों के साथ नामीबिया पॉइंट टेबल में 4थे पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट -1.600 के आसपास है और नामीबिया की टीम सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है क्योंकि इस ग्रुप की सबसे वीक टीम नामीबिया है, तो इस वजह से नामीबिया सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगी। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल में 3रे पोजीशन की टीम के बारे में। तो यहाँ पर है न्यूजीलैंड की टीम और न्यूजीलैंड की टीम ने टोटल 2 मैच खेले हैं जिसमें एक बार जीती है और एक बार हारी है, तो इस वजह से 2 में से 1 मैच जीत करके 2 अंकों के साथ न्यूजीलैंड पॉइंट टेबल में 3रे पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट +0.765 के आसपास है और न्यूजीलैंड के पास काफी शानदार मौका है कि ये टीम सेमीफाइनल में चली जाए और मेरे अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा चांस है कि ये टीम सेमीफाइनल में चली जाए। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल में 2nd पोजीशन की टीम के बारे में। तो यहाँ पर है अफगानिस्तान की टीम और अफगानिस्तान की टीम ने टोटल 3 मैच खेले हैं जिसमें 2 बार जीती है और सिर्फ 1 बार हारी है, तो इस वजह से 3 में से 2 मैच जीत करके 4 अंकों के साथ अफगानिस्तान पॉइंट टेबल में 2nd पोजीशन पर मौजूद है और अफगानिस्तान का नेट रन रेट +3.097 है जो कि पूरे पॉइंट टेबल में सबसे शानदार नेट रन रेट है। और अगर अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हराती है तो इस टीम के पास काफी बेहतरीन मौका होगा कि ये टीम सेमीफाइनल में चली जाए। तो आपके हिसाब से अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जा सकती है या नहीं, कमेंट में जोड़ बताएं। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल टॉपर टीम के बारे में। तो यहाँ पर है पाकिस्तान की टीम और आज के मैच में पाकिस्तान ने नामीबिया को हरा दिया, तो इस वजह से टोटल 4 में से 4 मैच जीत करके 8 अंकों के साथ पाकिस्तान पॉइंट टेबल टॉपर है और पाकिस्तान का नेट रन रेट +1.00 के आसपास है और पाकिस्तान ग्रुप 2 से पहली ऐसी टीम बन चुकी है जो कि ऑफिशियली सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, यानी कि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल के मैच खेलेगी। तो यही था T20 वर्ल्ड कप 2021 का कंप्लीट पॉइंट टेबल। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से MPL को डाउनलोड करके टीम बनाए और लाखों रुपए जीते। और MPL पर जल्द ही काफी बड़ा गिव अवे लाएंगे, तो ध्यान से MPL को डाउनलोड जरूर करें। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।